हम बहुत टाइम से ड्रमों के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे सब लोगों को, तो सोच रहे थे नहीं हमें जो चाहिए क्यों चाहिए, सब हमने बताया अभी तक कि ये ड्रम में एक 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 घर बन सकता है, बहुत सुंदर बन सकता है, पर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं हो रहे थे। बट रश्मि शर्मा जी हैं, उन्होंने हमें 60 ड्रम स्पॉन्सर करे हैं, पर एक बारी में 10 ही ड्रम आते हैं, 3 ड्रम मैंने स्पॉन्सर कर दिए। ऐसे चलता मिलजुल के काम चलता है, सबको बोलती हूँ थोड़ी थोड़ी हेल्प आप करो, थोड़ा थोड़ा मैं करूँ, तभी हो पाएंगे इतने बच्चों का। तो टोटल जो है ये 10 ड्रम हमारे पास आ गए। अब इनका घर कैसे बनना है, जब हम बनाएंगे ना, जब आपको दिखाएंगे और आपको लगे कि हाँ कि आपका पैसा ख़राब नहीं हो रहा है, वर्थ इट है, तो आप हमें स्पॉन्सर कर सकते हो। ये सिर्फ 10 ड्रम है, हमारे पास 150 बच्चे हैं, जितनी इच्छाएँ उतने हम इसमें घर बना सकते हैं। इसमें देखो ना क्या, अगर हम इसको ऐसे घर बनाते हैं, इसके अंदर एक बच्चा जाके आराम से सोता है, ऊपर से मेन बात है ऊपर से बचेगा। ये ओस पड़ती है, इतनी ठंड होती है, बर्फ़ की तरह ठंड पड़ती है, तो ये अंदर इसके अगर हम एक एक वो बिछा देते हैं कंबल, ऊपर से ढकने की ज़रूरत ही नहीं है, बच्चे आराम से सोएंगे। जब बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ी हेल्प करें बच्चों की, तभी सब कुछ हो पाएगा। मैं अकेले क्या क्या करूँगी और कब तक करूँगी, पर स्टिल मैं हार तो मानने वाली नहीं, करूँगी। तो ड्रम का बड़ा था, सर्दियाँ जा रही थी, मैंने कहा सर्दियाँ ख़त्म होगी फिर क्या फ़ायदा रह जाएगा। तो जो लोग करना चाहते हैं पर कर नहीं रहे कि पता नहीं क्या करेंगे ये लोग ड्रम का, उनके लिए ये पहला कदम उठाया गया है। जब ये बन जाएंगे तब आपको दिखाए जाएंगे, और जो जितना हेल्प करना चाहे वो आगे बढ़े, हमारी हेल्प करें। आप एक बच्चे का घर स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप ये समझें, एक ड्रम 2000 रुपये में स्पॉन्सर होता है, 2000 रुपये में एक बच्चे का घर आता है परमानेंट। अब इसका भी डबल काम होएगा, सर्दियों में ये बच्चे इसके अंदर सोएंगे, गर्मियों में इसमें पानी भरा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में फिर इनको फेंक दिया जाएगा, हमारे तो जो बर्तन है हम वो भी ऐसे यूज़ करते हैं, आप लोगों ने देखा है कि हम लोग इनको सर्दियों में अंदर कंबल बिछा देते हैं, गर्मियों में इनमें पानी भर देते हैं, उसी तरीके से इनका इस्तेमाल होगा। सर्दियों में ये बच्चे सोएंगे, गर्मियों में इनके अंदर पानी भर करके रखा जाएगा। तो अगर आप हेल्प करना चाहो, आपको लगे कि आपको हेल्प करनी चाहिए, तो प्लीज़ उससे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। नंबर 9999 9111। इसके लिए हम बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पर होने वाली बात है ज़्यादा लोग सुन नहीं रहे हैं, इंटरेस्टेड भी नहीं हो रहे हैं, तो सोच रहे हैं पता नहीं हम क्या करेंगे। पर आप समझे, अब जब ये आए हैं तो हम आपको बताएंगे कि क्या करना है इनका। रश्मि जी ने हमें 60 ड्रम स्पॉन्सर करे हैं, और 10 से कम में ये ला नहीं रहे थे, तो 3 ड्रम मैंने स्पॉन्सर कर दिए ये हर बार होता है, तो कुल मिला के 10 ड्रम आ गए हैं। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था ड्रम वाला, वो अब हम बना रहे हैं, सब हमने धोके रख दिए हैं, क्योंकि इनके अंदर पता नहीं क्या क्या केमिकल्स, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये हम ले आए थे, हमने इन्हें सर्फ से धो धा के धूप में सुखा लिया है, क्योंकि बच्चे की भी तो देखना है ना, केमिकल कोई हो और कोई प्रॉब्लम कर जाए देखने आए हैं क्या बन रहा है। तो ड्रम ये ऐसे लगा दिए गए हैं, इनके दोनों तरफ ईंटें लगाई जाएंगी जिससे इनका बैलेंस बना रहे, नहीं तो बच्चे अंदर जाएंगे और गोल गोल घूम जाएंगे। एकदम फंसा के लगाना बेटा, ठीक है। एक ड्रम एक बेड, एक ड्रम एक बेड, इससे दो चीज़ें हो जाएंगी कि इनका वो बैलेंस भी बना रहेगा और सेट भी हो जाएगा। ये वाला भी बेड इधर खिसका दे थोड़ा सा, ये वाला बेड भी इधर खिसका दे, फिर भी ईंटें अटकाओ बेटा, हाँ दो दो ईंटें अटकाओ। तो ये एक ड्रम और एक बेड के कॉन्सेप्ट से ये होगा, ये ड्रम यहाँ पे सेट हो जाएंगे, हिलेंगे नहीं बिल्कुल भी। ईंटें लगा देंगे एक दो 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 दो, और थोड़ा सा ये लगा देंगे तो इससे ये हिलेंगे नहीं ड्रम, नहीं तो बच्चे बैठेंगे अंदर हिलेंगे विलेंगे, ड्रम हिलेंगे तो डर के मारे बेचारे बाहर आ जाएंगे फिर। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था ना, हमने बोला था हमें ये ड्रम्स में घर बनाना है, सब लोग पूछ रहे थे कैसे बनेंगे। अब ये ड्रम हम लोग ले आए थे, इनको हमने इनके अंदर केमिकल्स थे, इनमें केमिकल्स ही आते हैं, धो धाकर इनको सुखा दिया हमने। अब क्या होगा, एक ड्रम के अंदर हम एक जो बोरी का बेड है, क्योंकि इसके अंदर कभी गर्मी बनी रहेगी ना, इसके अंदर हम क्या करें, खाली हम लोग कंबल उठाएंगे, ये लोग गुचड़ मुचड़ कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, एक में एक बोरी का। देखिए वो अंदर जाने को भी तैयार है, रुक जा बाबू। जैसे कि एक में हमने एक बोरी का बेड बिछा दिया, रुको बेटे रुको रुको मेरे बच्चे, है ना बाबू, कंबल दे दे तो ऐसे ही घुस जाएंगे इसमें, रुको तुम्हारे लिए मेरे बेटे, रुको बेटे बच्चे रुको, कह रहे जो फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सब होगा, इसलिए फटाफट घेर लो, कोई एक आएगा रुक जा देखियो। मैंने कहा गंगा मुझे कंबल दे दे, गंगा गंगा अपना कंबल लेके चला गया, तेरा बाड़ जाओ, ये तो बहुत बड़ा कंबल है,
तो काट के लाया ना, छोटे कंबल लाया ना बेटा। तो ये बोरी का बेड बिछा दिया, इसके अंदर कंबल हमने काट लिए हैं, अंदर हम तो जा नहीं पाएंगे, और बच्चों का मन नहीं अभी कुछ काम करने का। ये कंबल करके इसके अंदर आराम से एक में एक बच्चा सो जाएगा। दिखा कौन जाएगा, आ जाओ। देख रहा है अभी, चेक कर रहा है कौन से में जाऊं। जाएगा टीका, जाएगा टीका, जाएगा टीका, जाएगा। हाँ ठीक है, गया क्या अंधेरा होगा। तो कुल मिला के यही हमारा है। इससे क्या है ना, दो चीजें, एक तो ऊपर से भी इसमें ओस गिरेगी अगर रात को, तो ये ढके रहेंगे। बीच में जो बेड बिछाए वो बेड इसलिए बिछाए, एक तो इन बेड से इनको सहारा मिलेगा, क्योंकि बच्चे अंदर जाएंगे बैलेंस बिगड़ेगा तो डर के मारे फिर अंदर जाएंगे नहीं, उनको लगेगा पता नहीं ये क्या हिल रहा है। तो इसमें बैलेंस बना रहेगा, और जो बच्चे इसके अंदर नहीं जाते सोना चाहते वो इसमें सो जाए। बाकी ये 10 है, इनको आप डोनेट कर सकते हो, ड्रम्स को इनको आप स्पॉन्सर कर सकते हो, आप ड्रम भी डोनेट कर सकते हो, आप बोरी बेड भी कर सकते हो, क्योंकि बोरी बेड हमारे पास यही है, हमने पिछले साल संभाल के रख लिए थे, क्योंकि हमारी आदत है जब चीज़ यूज़ हो जाती है और जो उसमें बच जाता है, बच्चे फाड़ फूट के ख़त्म नहीं करते हैं, उन्हें संभाल लेते हैं। ये कंबल, ये बोरी के बैग्स, ये सब पिछले साल के हैं, तो सारे के सारे संभाल दिए, फाड़ना नहीं है बाबू। तो कुल मिला के आप समझो, ये देखो दिखा दियो से हैं, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा इसमें, क्योंकि अंदर तो अंधेरा ही है, सोचने की बात है। शिमला अरे शेरू, ठीक है। तो आप समझो कि एक ड्रम स्पॉन्सर या एक ड्रम डोनेट करने का मतलब है कि एक बच्चे का घर आप डोनेट, साथ में एक बोरी बेड चाहिए होता है और एक कंबल चाहिए होता है, बच्चों का बेड तैयार। देखो कितना सुंदर लग रहा है, हॉकी सारे बेड चेक कर रही है। ठीक है, योगी चलो छोटा हमें टाइप का। नहीं, ड्रम बहुत बड़ा है। ये ड्रम जो है ये 250 लीटर का है, इससे छोटे वाले में बच्चे आएंगे भी नहीं, कंफर्टेबल भी नहीं होंगे, तो हमें मिनिमम 250 लीटर का तो ड्रम चाहिए चाहिए। तो जो भी जना हेल्प करना चाहे इस सुंदर घर के लिए, इन बच्चों की हेल्प के लिए, तो हमसे कॉन्टेक्ट लीजिएगा। नंबर है हमारा 9911975757। प्लीज़ व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, क्योंकि हम लोग इतने बिजी होते हैं कि फ़ोन उठाना या फ़ोन पर बातें करना थोड़ा सा नहीं हो पाता है। थैंक यू वेरी मच। मिट्टी हाँ, शेरू बैठा है, कई बच्चों को अच्छा लगता है। हाय 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 हाय, मस्त, वाह घर।